इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे सऊदी अरेबिया, वहाँ ख़ास तौर पे उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की, उन्होंने कहा मैं भीख मांगने नहीं किया था, इन्वेस्टमेंट का कहने किया था। और बड़ी जल्दी हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सऊदी डेलीगेशन एक हाई पावर्ड आया है, और उस तीन चार रोज़ में हम देखेंगे कि सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर भी आएंगे। रियाज खोकर साहब, ये जो डेलीगेशन आया है सीपेक के हवाले से, कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे गवादर में, और उनको पेरे को डेक वगैरह पे भी कहा गया आने को, तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजिट तो बहुत अच्छी हुई थी, इसमें तो कोई शक नहीं, यानी कम से कम मेरी अपनी इंफॉर्मेशन ये है कि विजिट बहुत अच्छी हुई थी। मगर सऊदी ने कोई, जैसे कहते ना, कोई 100% कमिटमेंट नहीं किया। ये जो मिशन आया है ये एक तरह से फैक्ट फाइंडिंग है, जी बिल्कुल, वो आकर बिल्कुल देखेंगे कि भाई क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं और कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे असल में ये मसला होता है कि हमारे बहुत से मिनिस्टर जो है वो स्पीक आउट ऑफ टर्न, और कई दफा बड़ी गलत बातें करते हैं। जब मुझे याद है किसी वजीर ने ये भी कहा था कि वो $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर किसी ने कहा जी वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। हमें इन चीजों पे स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, बातचीत हो जाए, उसके बाद जो भी नतीजा होगा वो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी आवाम को बताएं कि भाई हमारे सऊदी अरेबिया के साथ बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं और हमें इस मीटिंग से ये फायदा हासिल